9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़, all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस, अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट, अब लाइफ सेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां खेती किसानी और हमारे किसानों से जुड़े हुए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। उनसे जुड़े हमारे विशेषज्ञ होते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब तो देते ही हैं, साथ ही उस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि हमारे किसानों तक अधिक से अधिक जानकारी अलग अलग कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई पहुंचाई जा सके। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आइए डालते नजर आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है रबी मक्का की बुआई एवं उन्नत किस्में। इसके साथ ही आज के विषय में हम बात करेंगे ब्रोकली और अन्य गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं और अगर आपने गोभी की फसल ली है या उसके बारे में विचार बना रहे हैं या मक्का की फसल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो दोनों ही विषय आज आपके लिए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दो टोल फ्री नंबर है जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, नंबर लगाएं, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं और हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से जानें अपनी आशंकाओं के जवाब। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर SL जाट साहब जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। और आप मक्का पर बताएंगे हमें विस्तार से कि मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, बुआई के वक्त कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें और साथ ही कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसका विशेष तौर पर ध्यान रखने की हमारे किसानों को जरूरत है। और अगर आप मक्के के साथ दूसरी फसल भी लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरे मेहमान जो है उनसे भी आपको आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक कुमार जैन है, आप वैज्ञानिक है पौध संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर राजस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक आपका भी कार्यक्रम में। और आपसे जी ब्रोकली और गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और अपने किसानों के सवालों के जवाब भी आपसे जानने का हम प्रयत्न करेंगे कार्यक्रम के दौरान में। हमारे साथ आप इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर जाट मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो हम मक्का की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि मक्का जो है अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बहुत अधिक मांग बढ़ती जा रही है और क्योंकि आज के समय में लोग अपने को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं, मोटे अनाज का बाजार भी बढ़ता जा रहा है और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड काफी बढ़ रही है बाजार में। तो अगर मक्का के महत्व की जानने की हम कोशिश करें कृषि के अनुसार या हमारे किसानों के अनुसार क्या महत्व है इसका? देखिए, जो मक्का है वो विश्व में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली फसल है, जैसा कि आप कह रहे थे। इसका उत्पादन लगभग 1150 मिलियन टन होता है और दूसरे नंबर की जो फसल आती है वो 750 मिलियन टन आती है, आपकी गेहूं की फसल है, 550 मिलियन टन चावल होता है। ये इसका उत्पादन इसलिए ज्यादा होता है कि इसका उपयोग न केवल खाने के लिए यूज होता है बल्कि इसका औद्योगिक उपयोग भी है। जी, और आजकल इसका जो आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे मोटे अनाज का महत्व बढ़ा है खाने के रूप में, कुछ मोटे अनाजों का उत्पादन घटा है, जैसे आप ज्वार बाजरा ज्वार ले लें, उसके बाद में मोटे अनाज जिसमें रागी और कोदो कुटकी आते हैं, तो इसकी वजह से जो मक्का है जिसका उत्पादन क्योंकि बहुतायत में हो रहा है और अच्छे से इसका उत्पादन लिया जा सकता है, इसी वजह से इसको हम क्वीन ऑफ सीरियल भी कहते हैं, खाद्यान्नों की रानी कहते हैं, क्योंकि इसको उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो जो खाद्यान्न के प्रसंस्कृत उत्पाद हैं वो भी काफी हो रहे हैं। जैसे आप मार्केट में अगर चिप्स लेने जाएंगे तो जो आलू की चिप्स थी वो मक्का की चिप्स से रिप्लेस हो रही है क्योंकि इसमें तेल काफी कम लगता है। एक उदाहरण है, ये भी दिमाग में है
कि ये अच्छा भी है स्वास्थ्य के लिए। और तो ऐसे करके इसका लगभग 85% जो उत्पादन है वो आपका विभिन्न औद्योगिक उत्पादन में होता है और 15% से कम भाग हम सीधा खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत फायदेमंद, इस्तेमाल भी बहुत सारे हैं और जिसे हम कहें इंडस्ट्रियल मांग भी इसको लेकर काफी ज्यादा बढ़ रही है। और जहां कुछ मोटे अनाजों की जैसे कि आपने कहा कि जो रकबा धीरे धीरे घटता गया, वही हालांकि अब सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, लेकिन मक्का की जो विश्व भर में मांग है, जो उपज है, वो निरंतर बढ़ती रही। वजह यह भी है कि इसके कई तरह के उपयोग हैं, औद्योगिक मांग भी इसकी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी हमारी आज की पहली रिपोर्ट देखते हैं। मोटे अनाजों में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। रबी मक्का की बुआई इस महीने के मध्य तक पूरी कर लें। बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद पहली सिंचाई करें। वैसे तो कितनी मात्रा में उर्वरक देने चाहिए इसके लिए मिट्टी की जांच करानी चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो बुआई के समय आमतौर पर एक हेक्टेयर में 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश दें। अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो तो बुआई के पहले 25 किलो जिंक सल्फेट मिट्टी में जरूर मिलाना चाहिए। पौधे के लगभग घुटने तक की ऊंचाई के होने या बुआई के लगभग 30 से 35 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 87 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद करें, जिससे खेत में खरपतवार ना रहें। अगर बात रबी मक्का की उन्नत किस्मों की करें तो अपने इलाके और परिस्थितियों के हिसाब से ही किस्मों का चयन करना बेहतर रहता है। रबी मक्का की कई उन्नत किस्में हैं, जैसे आजाद उत्तम। इसके पौधों की लंबाई करीब 7 फीट होती है। पौधों के बीज के हिस्से में भुट्टे आने लगते हैं। बीज की रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद फसल की कटाई की जा सकती है। प्रति एकड़ भूमि से 16 क्विंटल तक पैदावार होती है। वहीं HM10 किस्म के पत्ते पतले और मजबूत होते हैं। भुट्टों का आकार लंबा होता है। रबी मौसम में खेती करने पर 170 दिनों में फसल पककर तैयार होती है। प्रति एकड़ भूमि में 36 क्विंटल तक पैदावार होती है। मक्का के बाजार पर और इसकी खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट अभी आपने देखी। और जो हमारा आज का दूसरा विषय है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रोकली और अन्य गोभी वर्गीय जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनकी खेती के बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर दीपक से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक, गोभी की अगर हम बात करें तो ये भी ऐसी फसल है जो कि इसकी घरेलू मांग भी अच्छी खासी बनी रहती है और लोग इसे बहुत चाव से खाना पसंद भी करते हैं, और साथ ही किसानों के लिए भी ये उनकी आय की दृष्टि से किस तरह से लाभकारी है। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे किसान अगर इसकी खेती करते हैं तो उन्हें किस तरह का लाभ इसे हो सकता है और अन्य सब्जियों के मुकाबले इसमें विशेषता क्या रहती है। जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मुख्य रूप से जो गोभी वर्ग की सब्जियां है उसमें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गाढ़ गोभी और ब्रोकली। इन सब्जियों का आप देखेंगे कि आय का बेहतर स्रोत होने के साथ साथ ये स्वादिष्ट भी होती है, और स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसका प्रमुख गुण है कि जब चीज स्वादिष्ट होती है और प्रोटीन, विटामिन और खासकर ब्रोकली का आप देखेंगे कि शुगर, डायबिटीज वगैरह में बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो सबसे बड़ी बात आय का स्रोत है, लेकिन इसमें कमी है कि जैसे ये स्वादिष्ट होती है तो ये कीड़ों और बीमारियों के लिए भी, इनमें मुलायम और कोमल होती है तो कीड़ों और बीमारियों को भी ये ज्यादा अपने और आकर्षित करती है। तो इनकी खेती के साथ साथ हमें पौध संरक्षण पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर सही समय पर अगर आप पौध संरक्षण करेंगे तो निश्चित तौर से गोभी की पैदावार, क्योंकि इसका फूल 250 ग्राम से लेकर 3-4 किलो तक वजन में बैठता है, तो उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा वो पैदावार कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर ये गोभी फसल रहेगी और अपने इनकम के दृष्टि से भी ये बेहतर निकलता है। जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी अच्छी है और जैसा कि हमें डॉक्टर दीपक ने बताया, क्योंकि ये काफी मुलायम होती है तो काफी चाव से इन्हें इनका सेवन करना, इन्हें खाना पसंद भी किया जाता है, और लेकिन कई बार बीमारियां और जो कीट है उनकी समस्या में भी इसमें काफी इजाफा रहता है। इसीलिए हमारे किसानों को गोभी की फसलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट जो कि ब्रोकली और गोभी वर्गीय सब्जियों पर है। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली आते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए ठंडी नम जलवायु की जरूरत होती है।
ज्यादा तापमान होने पर गोभी वर्गीय सब्जियों की फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। वैसे तो गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती हर तरीके की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इनकी खेती के लिए अच्छी रहती है। गोभी वर्गीय सब्जियों की किस्मों का चयन करते समय ध्यान रखें कि अगर पछीती किस्मों को जल्दी बोया जाए तो पत्तों की वृद्धि ज्यादा होगी, और अगेती को देर से बोया जाए तो उनका खाए जाने वाला फल छोटा रह जाता है। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में की जाती है। क्यारियां उपजाऊ और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी में बनाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और बाद में जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें। बात अगर ब्रोकली की करें तो ये फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहां सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है, इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। एक हेक्टेयर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करें। तभी आपने विस्तार से हमारी रिपोर्ट देखी गोभी वर्गीय सब्जियों पर। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नीचे हम स्क्रीन पर अभी नंबर्स फ्लैश करेंगे जहां से आप नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि मक्के के बारे में हमने बात की है और आपने बताया कि इसका किस तरीके से महत्व लगातार बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो इसका पहले से ही था और धीरे धीरे इसमें काफी विस्तार होता जा रहा है, तो जो हमारे किसान है जो कि मक्के की खेती नहीं कर रहे हैं या फिर विचार कर रहे हैं, और वो भी किसान जो कि पहले से ही मक्के की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है और उसको लेकर उन्हें कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, आप सही कह रहे हैं कि क्यों मक्का की खेती करें पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जैसे था कि अभी मक्का को पिछले 2 सालों से जब से कोविड आया है तो मक्का का जो खपत होती थी वो लगभग मुर्गी के अंदर 50% मुर्गी की जो इंडस्ट्री मुर्गी पालन में होती थी, और जो मुर्गी पालन प्रभावित हुई इसकी वजह से मक्का के बाजार के भाव भी प्रभावित हुए। लेकिन इस वर्ष क्योंकि मुर्गी का फिर से चलन चला है, मुर्गी पालन व्यवसाय फिर से बढ़ा है, तो मक्का की डिमांड भी काफी अच्छी बढ़ी है और अच्छा मार्केट में प्राइस मिल रहा है, और इसकी प्राइस की जो मिलने की संभावना है वो आगे भी बनी रहेगी। इसलिए किसान भाई मक्का को ऑप्ट करें, और क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता जो अभी जो अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी मैदानों वाले क्षेत्र जिसमें आपका पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, बंगाल आ गया और उड़ीसा आ गया, और फिर प्रायद्वीपी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, और जहां पे लोग एक अच्छी फसल के रूप में इसको लेते हैं, और इसकी उत्पादन क्षमता हम बताते हैं कि 10 टन से ज्यादा रहती है एक हेक्टेयर में, मतलब 100 मण एक एकड़ की निकलती है। तो इसकी उत्पादक क्षमता जो खरीफ में फसल होती है और उससे लगभग दुगुनी है अपने राष्ट्रीय उत्पादकता देखे तो उसमें भी, और वास्तव में भी किसान इसकी ज्यादा उत्पादकता लेते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए किसानों को मुझे लगता है कि मक्का को ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर दीपक, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो ब्रोकली के बारे में बात कर रहे हैं इसमें कई तरह के, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपने इशारा किया कि जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं होती तो अच्छी है, लोग पसंद भी काफी करते हैं, लेकिन इसमें बीमारियां और कीट इनकी आशंका बहुत बनी रहती है, और हीरक तितली और डायमंड बैक माउथ इस तरह की जो समस्याएं हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में मैंने बताया कि जैसे स्वादिष्ट और मुलायम होती है तो कीड़े मकौड़े बीमारियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसमें अगर कीड़ों की बात करें तो मुख्य रूप से डायमंड बैक माउथ जिसको हीरक तितली कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसको फ्लूटेला गैंडोस्ट्रेला के नाम से जानते हैं, ये
देश का मुख्य किला है। इसके अलावा केबेज बोरर इसका मुख्य किला है, और एक जो नट होती है जिसको सेमी लोकर कहते हैं जो कुबड़ बना के चलती है वो भी इसका मुख्य किला है। इसके अलावा काली नट जिसको स्पोडोप्टेरा न्यूटुला के नाम से जानते हैं वो गुच्छों में अंडे देती है, और इसी प्रजाति की आप देखेंगे कि मक्का के अंदर स्पोडोप्टेरा फ्यूजी कर रहा है जिस तरह मक्का के अंदर एक तबाही मचाई वो इसी कुल की लत है। इसके अलावा मक्कियों में मक्का में इसमें गोभी में लीफ फेबर एक मुख्य प्रमुख रूप से इसका कीड़ा है, इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो रस चूसक कीड़े हैं चाहे मोइला हो सफेद मच्छर हो इसके ये प्रमुख कीट है। और बीमारियों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसमें शुरुआत में डेंगू मॉक बीमारी आती है जो कि फफूंद जनित है। इसके अलावा जो बहुत सी बार समस्या रहती है गोभी के अंदर दूरनगलन या दूरासरण या जिसको ब्राउनिंग कहते हैं उसकी समस्या रहती है, और एक बहुत सी बार बटनिंग की समस्या रहती है मतलब जो फूल होता है जो कर्ड होता है वो बटन की जी बिल्कुल बटनिंग की समस्या पर भी मैं आपसे विस्तार से जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस बीच एक कॉलर है जो कि गोभी पर ही शायद अपना सवाल पूछना चाहते हैं। प्रहलाद जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी स्वागत है प्रहलाद जी, बताइए क्या सवाल है। प्रहलाद जी हम आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, और आपका प्रश्न भी क्या वो भी नहीं हम समझ पा रहे हैं। मैं दीपक जी क्या आप समझ पा रहे हैं इनका प्रश्न, फूल गोभी में हरे रंग के दाने आ जाते, कुछ ऐसे ऐसे बात बता रहे हैं जी। फूल गोभी हाँ, इसमें मुख्य रूप से आप ये जरूर जाने गोभी वर्गीय फसलें जो भी बो रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके पोषक तत्वों की भी पूरी जरूरत पड़ती है। यह फसल ऐसी है जिसमें की सब्जी ऐसी है कि इसमें पोषक तत्वों की पूरी मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आप ध्यान रखें इसका एक खाद देने का पूरा शेड्यूल बना लें। मैं आपको पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ, तो उसमें आप जब छिड़काव का पूरा शेड्यूल बनाए, जब गोभी आपकी तीन से चार दिन की जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तीन से चार दिन की हो जाए तब आपको कार्बेनाजिन 12% और मेनकोजेन 63% का जो घोल आता है उससे आपको करीब 50 से 100 मिलीलीटर पर पौधे के हिसाब से आपको 40 ग्राम पर टैंक के हिसाब से स्प्रे करना है। और शुरुआत में ये जरूर ध्यान रखें कि जब गोभी आपकी 10 दिन की हो जाए 10 से 15 दिन की हो जाए उस वक्त एनपीके जो होता है उसको 19-19-19 एनपीके को आपको उसको छाटना है। साथ में जब अगर आप ड्रिप पे लगा रहे तो उसको आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 19-19-19 देना है। और अगर आप फवारे के ऊपर लगा रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि इसको हमें 5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से छिड़कना हो। अगर छिड़काव कर रहे हैं तो एनपीके 19-19-19 का आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। पर शुरुआत में ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व हो जिसमें कि FeMnZn मतलब आयरन लो मैग्नी बोरोन ये तत्वों का इसका जरूर आप छिड़काव करते हैं। और उसके बाद 20 से 25 दिन की अवस्था पे आप एनपीके 12-160 का भी आप छिड़काव करें। और जब गोभी आपकी 40 दिन की हो जाए 40 से 45 दिन की हो जाए उस वक्त आप एनपीके जो आप डाल रहे हैं उसमें 13-0-45 का आप छिड़काव करें। और जो 50 से 60 दिन की गोभी हो जाए उस वक्त 0-0-50 का एनपीके 0-0-50 का आप छिड़काव करें। लेकिन जब तीसरा छिड़काव आप कर रहे हैं उस वक्त जरूर ध्यान रखें कि जब 40 दिन की होती है उस वक्त बोरोन तत्व की वजह से फूल जो होता है छोटा होता है कर्ड बन जाता है, बोरोन तत्व की कमी से जो गोभी है वो छोटी रह जाती है कर्ड भी छोटा रह जाता है। तो उस वक्त आप बोरोन का 1 ग्राम या तो 20% बोरोन ले रहे हैं तो उसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, या चिलेटेड बोरोन भी ले रहे हैं तो उसको 1 ग्राम पर लीटर का छिड़काव करें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो प्रहलाद जी मुझे लगता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया, और ये कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें आप। और हमारे अन्य दर्शक जिन्होंने गोभी की फसल ली है या फिर इसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। ब्रेक के बाद कुछ और कॉल्स लेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल करें, और साथ ही हम मक्का के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि कौन सी उन्नत किस्में हैं और कैसे इसकी खेती से हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। तमाम बातें छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान और आज हम बात कर रहे हैं मक्का के बारे में और साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में। कॉलर आए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी सुरेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। सुरेश हमारे साथ है उत्तराखंड से। हेलो जी मैम ब्रोकली की खेती कैसे की जाती है उस पे लगने वाले रोग के बारे में। जी दीपक जी, ब्रोकली की खेती कैसे की जाती है और रोग कौन कौन से इसमें लग सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। सुरेश सिंह है उत्तराखंड से हमारे दर्शक। जी ब्रोकली की खेती का मैं शुरू से बता देता हूँ। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर रहती है। ये जरूर ध्यान रखें जो मदा की पीएच है वो 6.5 से 7 मदा का एक बार परीक्षण करा लें। उसमें अगर बोरन तत्व की कमी हो तो उस वक्त आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उससे 10 से उससे पहले आप मिट्टी की अंतिम जुताई करते हैं उस वक्त 10 से 15 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको बोरेक्स जमीन के अंदर मिला देना है। और बुवाई का जो समय सही समय की बात कर रहे हैं तो इसका मध्य सितंबर से लेके नवंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। जो और ये जरूर ध्यान रखें इसकी जब बुवाई कर रहे हैं तो आप उसको कैरिया चेंज मतलब जो पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और प्लांट से रोशनों की दूरी भी आप कतार से कतार की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखें। तो किस्मों का चयन आप बिल्कुल इसका सही करें। इसमें अगर किस्मों की बात करें तो IARA नई दिल्ली के द्वारा जो किस्में विकसित की किस्मों का सही चयन करें। इसके लिए पूछा ब्रोकली इसकी सबसे बेहतर किस्म है और लुधिया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली इसकी ब्रोकली पंजाब ब्रोकली वो भी इसकी बेहतर किस्में और 3-4 किस्में हिमाचल प्रदेश से निकाली गई है। उसमें आपको अगर हरी गोभी हरी ब्रोकली लेंगे तो उसकी अलग है, बैंगनी की अलग है और हरी पीली लेंगे उसकी मैं आपको बता देता हूँ। जो पालम हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से निकली है वो है पालम समृद्धि जो कि हरी है। वो पालम विचित्रा जो कि बैंगनी कलर का फूल होता है इसकी भी आप खेती कर सकते हो। तो अगर हरी पीली ब्रोकली की बात करें तो उसमें पालम कंचन है और पालम हरितिमा भी इसकी अच्छी किस्म है। और शेरे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी एक ब्रोकली शेरे पंजाब भी विकसित की है और एक कटराई की बहुत अच्छी किस्म है KTS1 ब्रोकली की, इसको भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन मैजिक है, ग्रीन स्प्राउट है, ये भी इसकी बहुत अच्छी किस्म है और KTS1 इसको भी आप किस्मों का ले सकते हैं। रही बात खाद की तो इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश लेते हैं। आधी मात्रा आप नाइट्रोजन की बुवाई के समय अंतिम जुताई के समय दे दें और जो बाकी शेष बचे उसके 3 भाग कर दें। उसमें 3 भाग में आप पहली खाद की मात्रा नाइट्रोजन की आप 25 दिन पे दे दें, दूसरी आप 45 दिन पे दे दो और तीसरी जो मात्रा है उसको आपको 60 दिन पे दे दें और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा उसके साथ देंगे। ये जरूर ध्यान रखें जब इसमें रोग और इनकी बात करें तो जब नर्सरी लगा रहे हैं उसी वक्त आप इसमें डेपिगॉक जो बीमारी है आद्र गलन बीमारी है उस वक्त आप एक काम करें जब क्यारी लगा रहे हैं तो उससे 15 दिन पहले आप उसको 6 इंच उठी हुई क्यारियों में लगाएं और जब आप उसका सोलराइजेशन कर दें मतलब उसको क्यारी को गीली कर दें और गीली करने के बाद उसके 45 मिलीमीटर की जो पॉलिथीन छिटाती है उसको आप बिछा देवे तो उससे क्या जो अंदर फफूंद है या जो कीड़े वगैरह है वो बढ़ जाएंगे। और बुआई से एक दिन पहले आप ट्राइकोडर्मा को 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी जमीन के अंदर मिला लें और या फिर अगर निमेटो की समस्या है तो 8 से 10 ग्राम काबू से उसके अंदर मिला दें या सुडोमोनास अगर जैविक कर रहे हैं तो सुडोमोनास को भी उसको हमें 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिला देते हैं। ये जरूर ध्यान रखें और अगर रस चूसे कीड़े की समस्या है तो आप उसमें येलो टेप उसमें नर्सरी में लगा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखें जब वो 4 से 5 सप्ताह की हो जाती है उस वक्त आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा जो एक मित्र फफूंद है उसमें 10 लीटर पानी के अंदर 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम या विरिडी को लेके 15 मिनट तक उसको शीडलिंग और डीप करके उसके बाद आप खेत में ट्रांसप्लांट करें। ये इन चीजों का आप ध्यान रखें। और जो रोग वगैरह है
इसमें या कीड़े हैं, तो इसके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक का भी छिड़काव करना है। और अगर सेफेस्ट अगर कीटनाशक का मैं आपको अधिकतर जो कीटनाशक काम में आ रहे हैं वो जो कि नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को करता है, हमें कीटनाशकों का प्रयोग तभी करना है जबकि कीटों के आर्थिक हानि स्तर से ज्यादा जनसंख्या हो जाए तभी हमें कीटनाशकों का प्रयोग करें। वरना जब आप इसके मूल्य से बचने के लिए अगर आप उपाय करें तो गोभी वाली फसलों में मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप 25 लाइनों के बाद एक 25 लाइन अगर गोभी की लगा रहे उसके बाद दो लाइनें सरसों की लगाएं, दो लाइनें सरसों की भी लगा रहे हैं तो उसमें पहली लाइन आप बुआई से 12 दिन पहले लगा दें और अगली लाइन जो उसको खाली रखे उसको आप बुआई की जब ट्रांसप्लांट भी आपने कर दी उसके 25वें दिन आप उसको सरसों की फसल लगाएं। अगर इसमें मुख्य कीड़ा है जैसे आपने कहा था डायमंड बैक बॉल जो इसका मुख्य कीड़ा हीरक तितली जिसको कहते हैं उसकी समस्या रहती है, तो आप एक काम करें जब गोभी लगा रहे हैं तो चारों तरफ टमाटर की फसल को आप रेड फसल के रूप में लगावे या इंटरक्रॉप के रूप में आप गाजर की फसल भी लगाएंगे तो इसके कीड़े से निजात पाया जा सकता। मैं आपसे एक बार पुनः कह रहा हूँ कि कीटनाशकों का कम से कम उपयोग आपको करना चाहिए। जी, एक कॉलर है राम स्वरूप मिश्रा और जिन्होंने 12 बंकी से कॉल किया है। हेलो, माफ कीजिएगा, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश 12 बंकी से। जी मिश्रा साहब बताइए कैसा वाला है। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ मक्के की फसल, मक्के की बुवाई हम लोग फरवरी के अंत में मार्च के प्रारंभ में जून के मध्य में जुलाई के प्रथम सप्ताह में करते हैं। 40 से 50 किलो मैं बीज की दर से डालता हूँ, 25 से 30 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ और 5 या 6 सिंचाई की जरूरत लगती है। 60 या 75 दिन में मेरे मक्का तैयार हो जाती है। मुझे इनमें जो तना छेदक कीड़ा और फल भेदक जो कीड़ा होता है इसके हम लोग काम किस प्रकार से करें। जी जी मिश्रा जी बिल्कुल बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, आपने एक बहुत बढ़िया जानकारी दी है हम लोगों के लिए भी और बाकी किसान भाइयों को प्रेरणा मिलेगी। इसमें जो तना भेदक जो कीड़ा है उसका बिल्कुल अच्छा खासा नुकसान होता है जब बारिश से नहीं होती है और शुरू में 15 दिन या 20 दिन की अवस्था के अंदर एक कीड़ा आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो क्लोरेंट्राइनिपोल जो दवा आती है जो कोराजिन के नाम से आती है, अन्य दवा नाम से भी उपलब्ध है, 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आपके यहाँ आ रहा है कीड़ा तो आपको देखो बिल्कुल पौधे पे आ जाता है उसके बाद उसमें भुट्टा नहीं लगता है। तो आप जो आपके पौधा 10-1 दिन का है उस समय 10 से 15 दिन के बीच में ही आपको इसका छिड़काव करना है, उसके बाद इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और जो फल भेदक कीड़े की जो बात कर रहे हैं वो फल भेदक कीड़ा जो अभी जैन साहब बता रहे थे मक्का के अंदर जो फाल आर्मी वर्म के नाम से एक नया कीड़ा आया है वो अमूमन आपका फल के अंदर ज्यादा भेदक का काम करता है। और उस कीड़े से बचाव के लिए पहले तो ये था कि जो फल भेदने का जो समय आता है उस समय कोई हमारे पास नियंत्रण नहीं है, लेकिन अभी उसके ऊपर जैसे आपके पास अगर मेटाराइजियम का गोल मिलता है कहीं पे केवीके पे उपलब्ध है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 3 सालों में ये कीड़ा जब से हमारे देश में आया है 2018 में आया है और तब से हम देख रहे हैं कि उसमें काफी मात्रा में पहले साल में 20% के अंदर पैरासिटाइजेशन था। पैरासिटाइजेशन का मतलब है उस कीड़े के अंदर दूसरे कीड़े के अंडे, उसके बाद 20 से लेकर 50 हो गया और इस बार हमने 70 से लेकर 90% तक देखा है। तो अगले साल आपके यहाँ ये समस्या कम होने की ज्यादा संभावना है। एक कॉलर है मनोज जी हमारे साथ हैं, कॉलर आइए बात कर रहे थे मनोज जी से। हेलो हेलो जी, नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है, उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ फोन लाइन पर। हाँ जी, गोभी की किसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं आप? गोभी की, गोभी की खेती के बारे में क्या जानना चाहते हैं? गोभी कितने मात्रा में लग जाएगी? अच्छा, गोभी की आप खेती करना चाहते हैं। दीपक जी इस वक्त गोभी की खेती करना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं क्या इस वक्त इसकी फसल ली जा सकती है? जी इस वक्त गोभी में पत्ता गोभी फूल गोभी सबको ली जा सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब थोड़ा लेट हो गए हैं। ब्रोकली की आप नवंबर तक आप ले सकते हैं, लेकिन अब जो अगर फूल गोभी पत्ता गोभी की अगर पौध तैयार कर रहे हैं तो पैदावार तो हो जाएगी लेकिन उसमें बहुत कम फूल की साइज का। जो लेट वाली किस्म है क्या वो ले सकते हैं, वो आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी, अगर फूल गोभी अगर ये बोलना चाहते हैं तो इसमें लेट वाली के किस्मों की अगर बात करें तो फूल गोभी के अंदर स्नोबॉल है, स्नोबॉल वन, पूसा से किस्म निकली है, पूसा स्नोबॉल वन है, पूसा स्नोबॉल 16 है, पूसा स्नोबॉल PSK1 और PSK25 ये किस्में एक्चुअली जो PSK1 है ये इसकी ब्लैक रोग एक बीमारी आती है उसके प्रतिरोधी है। और अगर पत्ता गोभी की अगर वो खेती करना चाह रहे हैं तो इसमें अगर 85 किस्म की बात करें
तो पूछा ड्रम रेड इसकी किस्में और ब्रोकली की किस्में तो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रीन मैजिक है, स्प्रोम है, डेकिको है, इन किस्मों का इनका काम ले सकते हैं। रही बात अगर जैविक की तरफ जा रहे हैं, जो भी गोभी वर्गीय फसलें लेते हैं तो इस तरह की गोभी वर्गीय फसलों में जैसे डायमंड बैक मॉथ की बात करें तो इसके अंदर आप जैविक खेती की बात करें तो इस तरह का आजकल एक डेल्टा ट्रेप आती है इसको, इस ट्रेप को किसान भाइयों से मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो डायमंड बैक मॉथ जो खिला है तो इस तरह की एक ट्रेप आती है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रेप होती है, इस ट्रेप को खाली इसको आपको करना, बीच में आपके ग्लूटेन लगा रहता है, इसको शीट को उखाड़ के और जो इसका ल्यूर आता है, कैप्सूल आता है, इस कैप्सूल को जो डायमंड बैक मॉथ का कैप्सूल आता है, इस कैप्सूल को इसके अंदर आपको लगाना है, बस ये ध्यान रखना है जब आप इसको कैप्सूल को लगा रहे हैं उस वक्त आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि फिलामेंट जो होता है और जितने भी उसके जो व्यस्क है ये इनमें जो छेद होते हैं इनके द्वारा अंदर आके वो मर जाते हैं। कोशिश ये करें कि कम से कम कीटनाशकों का उपयोग करें और ये जैसे मक्का के अंदर भी कह रहे थे फाल आमली नाम की, तो या इसमें गोभी के अंदर भी जो लटे हैं तो एक ये फिरामन ट्रेप जो होती है इस ट्रेप को भी आप गोभी वाली फसलों के अंदर आपको लगाना चाहिए और इसके अंदर एक कैप्सूल आता है इसको आप 20 से 25 दिन पे लगाना चाहिए और नीम ऑयल से कीटनाशक का छिड़काव करें, वनस्पत कीटनाशकों का उपयोग करें, गोभी वाली सब्जियों में जरूर देना। जी बिल्कुल, तो गोभी वर्गीय सब्जियों में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए आपने बताया। मेरे साथ राहुल एक दर्शक बालाघाट से हैं। राहुल जी बताइए क्या सवाल है आपका। कॉलीफ्लावर बटनिंग की दिक्कत बहुत आती है। कॉलीफ्लावर क्या समस्या बताया, एक बार फिर से बताइए। बटनिंग जी जी हाँ बिल्कुल दीपक जी, बटनिंग पर हम चर्चा कर ही रहे थे, बीच में कॉल आ गया था, जैसे बता रहे बटनिंग की एक समस्या आ जाती है तो ये क्यों आती है और इसका समाधान क्या है। जी जी, बटनिंग जैसे कि नाम से स्पष्ट बटन के समान उसका फूल रह जाता है, छोटे छोटे फूल रह जाता है, फूल बिखर जाता है। इसकी समस्या का मुख्य कारण जो है वो नाइट्रोजन तत्व की कमी से होता है, लेकिन इसके नाइट्रोजन के अलावा भी मैंने ये भी बताया था कि इस फसल को पोषक तत्वों की भी पूरी मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो जहां गोभी की आप खेती करें वहां जमीन पोषक पूरी पोषक होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपने किस्मों का सही चयन नहीं किया तो वो किस्में भी जैसे आप अगर इसकी फूल गोभी की बात करें तो अगर अगेती किस्मों की बात करें जो कि मई जून में आपको बोनी है, जैसे अली कुंवारी है, अरली कार्तिक है, पूसा मेघना है, पूसा दीपाली है, ये अली किस्में, अगर इन किस्मों को आप लेट बोओगे तो निश्चित तौर पे फूल की साइज नहीं बैठेगी। और तीसरी चीज एक चीज और जो ध्यान रखें कि जब आप इसकी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जो रोप है वो 4 से 5 सप्ताह की होनी चाहिए, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मुख्य रूप से नाइट्रोजन तत्व की कमी से होती है, तो नाइट्रोजन का आपने बैलेंस मात्रा में जो 120/60 जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसका हमें संतुलित मात्रा में बिल्कुल तो नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल बिल्कुल उचित होनी चाहिए जैसे कि आपने बताया। और साथ ही किस्मों का चुनाव, कई बार जो आप सही किस्में नहीं चुनते उससे भी बटने की समस्या हो जाती है, यानी फूल शायद ज्यादा नहीं बढ़ता, एक छोटे साइज में ही रह जाता है और हमारे किसानों को इससे काफी नुकसान हो जाता है। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहे लो किसान। आज हम बात करें मक्का के बारे में और साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों पर चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें।
वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोभी और मक्का पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, इन्होंने में कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी वासुदेव जी, स्वागत है हेलो किसान पर, बताइए सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल है कि अपने खंडवा डिस्ट्रिक्ट के लिए मक्का की कौन सी बीज के सिफारिश करें, उन्नत किस्मों की, खंडवा से जाना चाहते हैं। जी वासुदेव जी, ऐसा है जो खंडवा और उसका आसपास का क्षेत्र है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और गुजरात में, वो क्षेत्र अभी काफी मक्का में आया है और पहले से रबी मक्का होती रही है। और वहाँ पे आप जो प्रमुख किस्में हैं उनमें आपकी DMRS 1301 है, 1308 है, उसके बाद CP 838 है, और इन किस्म का में से कोई किस्म चुनाव कर सकते हैं, ये किस्में आपके लिए अच्छी रहेगी। और इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि आप जितनी जल्दी बुआई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में पानी ज्यादा लगता है अगर आप मतलब मार्च के में, अभी जितना जल्दी बोएंगे उतना ही आपकी एक या दो पानी कम लगने की संभावना रहेगी और आपकी पैदावार भी उतनी अच्छी होगी। तो आपका जो खेत है बिल्कुल आप जल्दी तैयार कर लें। और अगर आप शून्य जुताई की तरफ जाना चाहते हैं तो इस मौसम में मक्का शून्य जुताई में भी बोई जा सकती है, बिना जुताई के मतलब। जी जेबी दुबे जी हमारे साथ है मध्य, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से। जी बताइए दुबे साहब, क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी जी जेपी साहब, सवाल बताइए। हाँ जी मैडम, जो गोभी की खेती है हाँ, उसका एक समय देखना है ना, कब से कब तक बोई जाती है, समय जानना चाहते हैं गोभी का। दीपक जी, गोभी का समय जानना चाहते हैं, उचित समय क्या रहता है जब से जब तक गोभी की फसल ली जा सकती है। जी मैं फूलगोभी पत्ता गोभी सभी का समय बता देता हूँ, जब गोभी का है तो फूलगोभी भी हो सकता है पत्ता की। फूलगोभी की अगर बात करें तो अगर अगर की बहुत बो रहे हैं तो मध्य मई से मध्य जून तक बो सकते हैं, और मध्य में बो रहे हैं तो जून जुलाई में बो सकते हैं, और पचेती अगर बो रहे हैं तो अगस्त में बो सकते हैं। अगेती किस्मों की अगर फूलगोभी में बात करें तो उसमें मुख्य रूप से अरली कुमारी, अरली कार्तिक, पूसा बेगना, पूसा दीपाली और पूसा अरली सिंथेटिक है। और मध्यम किस्मों की बात करें तो पूसा सुब्रा, इसकी बहुत अच्छी गोभी की किस्म है जो कि ब्लैक रॉट जो एक बीमारी होती है उसकी रेजिस्टेंस है। इसके अलावा पूसा हिमज्योति जापानीज इम्प्रूव है, एक इसकी अच्छी किस्म है, और पूसा सिंथेटिक, ये मध्यम किस्म है। और फूल गोभी की देर वाली किस्मों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 16 और PSB K1 जो कि ब्लैक रॉट की रेजिस्टेंस है, और PSB 25, ये फूलगोभी की। और पत्ता गोभी अगर बात करें तो अगेती किस्मों में जिसमें बुआई का समय अगस्त से सितंबर है, तो इसमें अगर बात करें तो मुख्य रूप से गोल्डन एकर, आइड ऑफ इंडिया और पूसा मुक्ता जो कि ब्लैक रॉट की ये भी रेजिस्टेंस बनाएगी। और अगर पछेती किस्मों की अगर पत्ता गोभी में बात करें तो इसमें पूसा ड्रम रे, और अगर इसके ये ब्रोकली अगर बोलना चाह रहे हैं तो ब्रोकली की किस्म मैंने आपको बताई थी, पालम समृद्धि, पालम विचित्र, ग्रीन स्प्राउट, ग्रीन मैजिक, KTS 1, पूसा के द्वारा पूसा ब्रोकली पंजाब। और अगर इसका इसका समय सही समय है ब्रोकली का मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। जी जो ये पत्ता गोभी की जो अली की मैंने बताई अगेती जो किस्म है उसको आप अगस्त सितंबर में, और जो पचेती है उसको सितंबर अक्टूबर में लगा लें। और बीज की मात्रा की अगर अपन बात करें तो इसमें 400 ग्राम तक बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। और कोशिश ये करें इसको पत्ता गोभी वाली सब्जियां इसको बोले पे बोए, मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर रखें या 45 बाई 45 की दूरी रखें। वो खाद
खाद का ये जरूर ध्यान रखें कि एनपीके इसमें 120 60 और 60 पोटास फास्फोरस 60 और पोटास भी 60 और जो खाद की मात्रा है उसको तीन भागों में दे रहे हैं, मतलब 120 का तीन भाग कर ले आगे बुआई के समय देते हैं और 25 किलोग्राम 25 दिन बाद आपको वन थर्ड और 40 दिन बाद उसकी वन थर्ड और 60 दिन आपको उसकी वन दिया जी। एक कॉलर है राजकुमार जी हैं जिन्होंने बिहार से में कॉल किया है। जी राजकुमार जी स्वागत है आपका हीरो के सामने, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, मक्के में खरपतवार की समस्या है जी। राजकुमार जी बिल्कुल एक अहम बात आपने कही है, अभी मक्का में जो खरपतवार है उनको नियंत्रण में अगर अकेले मक्का बोए, क्योंकि बिहार में बहुतायत में मक्का के साथ आलू की खेती से फसलीकरण होता है, वहां पे आप ये चीज नहीं छिड़के, मैं बता रहा हूँ जिसमें केवल मक्का बोते हैं किसान भाई उसके लिए आप एक एकड़ के अंदर 500 ग्राम जो एट्राजिन 50% WP आता है उसको 500 ग्राम को आप 200 से 250 लीटर पानी में डालकर एक परत के जैसे छिड़काव कर दें, पीछे की तरफ हटते हुए करें और एक जैसे चादर बीत जाती है वो आपकी लगभग 25 से 30 दिन या 40 दिन तक आपको खरपतवार नहीं उगने देती। इसके बाद पहले ये था कि हमारे पास कोई खरपतवार नाशी नहीं था, अभी हमारे पास टोप्रामेजोन जो टिंजर के नाम से आता है वो आप 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खरीफ मक्का की फसल में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ खरीफ मक्का की फसल में हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई है टेम्बोटिन जो आपका लोडिस के नाम से आती है, उसको 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और टेप्रोमेजोन आपका 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप खरीफ फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं। और इस समय अगर आप छिड़काव करना है क्योंकि टिंजर के साथ जो आपका एट्राजिन भी मिलता है तो वो आपको 30-45 दिन तक और आपको खरपतवार रहित फसल लेने में सहायता करें जी। सतपाल जी एक दर्शक जिन्होंने हरियाणा के कैथल से हमें कॉल किया है। सतपाल जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। सवाल फूल गोभी के बारे में, मैडम फूल गोभी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। फूल गोभी में हमने जिसने बीज उधार के दिए एक एकड़ के लिए जी, वो मतलब उसको जिसमें अब पानी लगा दिया जी और उसमें फिर अब वो किसी की जरूरत है। अच्छा अब किस चीज की जरूरत है डॉक्टर जी। फूल गोभी की आप बात कर रहे हैं, इसमें अभी इस वक्त बीमारियां और जैसा एक तो ब्राउनिंग भी मैंने बताया था, बट डीली बताया था, लेकिन एक सबसे भारी समस्या अभी जब आपने पानी पिला दिया ये जरूर ध्यान रखें कोहरा भी पड़ने की संभावना रहती है, या जब अगर ज्यादा पानी लगाएंगे तो इसमें एक सबसे भारी समस्या आती है गोभी के अंदर स्टॉक रोट या तना सड़न की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। इसमें आप जब खेत में सवेरे शाम जाएंगे तो गोभी बिल्कुल खिली हुई दिखेगी, पत्ते खिले हुए दिखेंगे, लेकिन जब आप दिन में उसमें जाके देखेंगे गोभी के पत्ते बिल्कुल सिमटे हुए या मूर्छित हुए दिखेंगे। ये सबसे एक फफूंदनाशक बीमारी है जिसमें कि आप अगर उसको पौधे को ध्यान से देखेंगे तो जमीन के जो पास वाला भाग है उसमें जल शक्ति जो है ना बटन लोग जैसे तबे बन जाएंगे और थोड़े दिन में उसका तना सड़ जाएगा। इस तना सड़न की सबसे भारी समस्या आने वाली है, तो इस चीज से आप जरूर ध्यान रखें। तो इसमें आप जरूर ध्यान रखें, इस वक्त आपको एक फफूंदनाशक है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, या एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मेल्कोजेब का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, और या फिर डाइफेनाक्रोजोल एक फफूंदी नाशक है उसका 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करें। इस वक्त गोभी में एक समस्या और आती है ब्लैक रॉट के नाम से जाना जाता है, यह भी एक फफूंद जनित बीमारी है, लेकिन यह क्या होता है कि उसके जीवाणु के द्वारा होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि पत्ते थोड़े दिन बाद आपके पीले पड़ जाएंगे, अगर पत्तों को ध्यान से देखोगे तो अंग्रेजी का जो वी आकार होता है उस तरह से दागिया बन जाएगी, और अगर आप उसको थोड़े दिन बाद वो आपका जो फूल होगा वो अंदर से खोखला हो जाएगा सड़ जाएगा, जिसको काली सड़न के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अगर आप जड़ को ध्यान से देखेंगे, जब पौधा सूख जाएगा उसको आप जड़ को ध्यान से देखेंगे तो जड़ से छाल उतरने लगेगी, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो बीमारी है तो इसके लिए आप एक काम करें कि वेलिडीमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इसको वेलिडीमाइसिन को आप 15 लीटर के अंदर करीब 20 ग्राम इसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जिसको कहते हैं उसको 30 ग्राम और साथ में मेल्कोजेब को आप 15 से 20 ग्राम इसको मिला के इसका आप अच्छी तरह छिड़काव कर लें। और अगर कोई लेप भी अगर गोभी बो रहा है तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर ये रोग आपके बार बार आता है तो एक चीज ध्यान रखें 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को आपको 10 लीटर पानी में मिला के और उसके बाद आपको जो रोग है उसको भूगो के 15 मिनट उसके बाद खेत में लगाना। ठीक है, कॉलर है विजय कुमार जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। विजय जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए अपना। हेलो जी हेलो जी नमस्कार विजय जी, सवाल बताएं।
हम गोभी की खेती मुख्य खेती करते हैं, बहुत व्यवसायिक खेती करते हैं हम लोग जी। उसमें जो है कि सफेद मक्खी हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। अब सफेद मक्खी वजह से कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, पत्तियों में जाली टाइप का हो जाता है जी। बिल्कुल दीपक जी से जानते हैं। दीपक जी, सफेद मक्खी की समस्या बहुत आती है गोभी में, और जैसे बता रहे हैं कि जाली सी पड़ जाती है पत्तियों में, तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या है इसका समाधान? जी जी, गोभी वाली सब्जियों में अगर सफेद मक्खी की समस्या है, सफेद मक्खी और मोइला ये कीट ऐसे हैं कि जो कि दस्त चूसने का काम करते हैं। आप शुरुआत की अवस्था में मैंने आपसे कहा था कि आप कीटनाशकों का प्रयोग तभी करें जबकि ज्यादा जरूरत है। आप एक काम करें, इस तरह के येलो ट्रेप बाजार के अंदर आते हैं, इन ट्रेप को आप जरूर आपके खेतों में लगाएं, या पीले घर पे इस तरह के गत्ते बना के उसके ऊपर ऑयल लगा दें, तो जितने भी सफेद मच्छर है, हरा मच्छर, और आजकल तो क्या है जो बाजार के अंदर इस तरह के ट्रेप और इसके साथ लूज भी आने लगा है, तो फिरामोन ट्रेप होती है उसका लूज लटों के लिए आता है, लेकिन जो सफेद मच्छर जो आते हैं उनका भी इस तरह से आप येलो कलर का आता है, और साथ में एक कैप्सूल आता है, उस कैप्सूल को उसको लगाते हैं। और अगर आर्थिक हानि स्तर से अगर जनसंख्या ज्यादा है, आपको लगता है बहुत ज्यादा हो गई, तो उसके बाद उस वक्त आप एसीटामिप्रिल एक कीटनाशक है, इसको 12 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं, या इमिडाक्लोपिन 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि जो फूल है वो जालीदार हो जाते हैं, इसमें एक लीफ फेबर जिसको जालीदार लट कहते हैं उसका प्रकोप होता है। तो आप एक काम करें कि ये जो फिरामोन ट्रैप आता है, इस तरह का ट्रैप जो आता है, इस ट्रैप को आप उसमें लगा दें, तो इसमें जो लूर आता है, इसका कैप्सूल आता है, तो लीफ पेपर का भी कैप्सूल आता है, उसको आप लगा दें, तो ये समस्या एक्चुअली क्या होता है कि जो मादा होती है वो मादा उसके अंडे उस फूल के अंदर देती थी, जब उससे वो लट निकलती है, लट अंदर ही अंदर उसको खाती है, और उसके बाद वो जाली बना देती है, और उसी के अंदर फिर प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा बनने के बाद भैंस बन के फिर उसको फूल को खराब करता है, थोड़े दिन बाद उस फूल से बदबू आने लगती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, और इनिशियल शुरुआत अवस्था में आप ये जरूर ध्यान जी। एक कॉलर है जी, एक कॉलर है, ये बात कर लेते हैं हमारे साथ। हेलो जी, सुन रहे हैं आप मुझे? लक्ष्मण जी बताइए क्या सवाल हमारे साथ, मध्य प्रदेश बैतूल से आप ऑनलाइन पर। लक्ष्मण जी सवाल बताइए जी। मैडम, मेरे को गन्ने के साथ मक्का लगाना है, और एक एकड़ में कितना बीज? जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इस पर तो हम आगे आने ही वाले थे कि मक्के के साथ दूसरे कौन सी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, अहम सवाल है, क्योंकि मक्का ऐसी फसल है जिसकी इस मौसम के अंदर शुरुआत में बढ़वार काफी कम होती है, इसलिए इसके साथ बहुत सारी फसलों का अंत्य फसलीकरण किया जा सकता है, और हमने देखा है जितनी भी गोभी वर्गीय फसल हम बात कर रहे हैं वो सारी फसलें, और इसके साथ में धनिया, मेथी, पालक, मूली, गाजर, ये सारी तमाम फसलें, और आलू की खेती हम आसानी से इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसके 3 महीने बहुत ही कम बढ़वार होती है, उसके बाद अच्छी बढ़वार होती है, और उसके बाद मक्का भी मिल जाती है, और साथ में आपको अंत्य फसलीकरण करके ये भी फायदा। और बीज के बारे में जाना, तो आप बात कर रहे थे जो बीज की मात्रा है वो आपकी लगभग 8 से 10 किलो लगेगी, ठीक है। अगर ज्यादा छोटे दाने हैं वो 8 किलो, और ज्यादा बड़े दाने हैं किसी संकर किस्म के तो आपको 10 किलो लगती है एक एकड़ के अंदर, और अंत्य फसलीकरण में आप उतने ही पौधे बोएं, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अभी इस समय आप 7 से 8 पौधे 8 से 9 पौधे 1 स्क्वायर मीटर के अंदर होने चाहिए, ऐसा बोना है, कम पौधे बोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। अभी भी हम आपके कॉल्स ले रहे हैं, समय जो है काफी कम रह गया अभी, लेकिन तब भी हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करें। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है, लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनके खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है,
और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रहे, हम कह रहे हैं देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर शंकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अधिकतर तो सवाल हमने अभी जान ही लिए किसी न किसी कॉलर के माध्यम से सवालों के जवाब। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि एक कॉलर है, माफ कीजिएगा, पहले एक कॉलर है उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, लक्ष्मी जी बताइए। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, सवाल बताइए। हाँ, मक्के की बुवाई की ये जानना था। क्या जानना चाहती हैं लक्ष्मी जी आप मक्के के बारे में? मक्के की बुवाई का समय जानना चाहते थे। अच्छा लक्ष्मी जी, जो आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर पूरी उत्तर प्रदेश की हम बात करें और वहाँ पे मक्के की बुआई आप 15 दिसंबर तक हालांकि कर सकते हैं, लेकिन आप, मैंने पहले भी कहा, एक कॉलर पहले भी हमारे साथ जुड़े थे कि जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। और मक्का के साथ अगर अभी आप सब्जियां लेना चाह रहे हैं तो तमाम जितनी भी सब्जियां रबी के फसल मौसम में होती है वो सारी सब्जियों का दो मक्का की पंक्ति के बीच में एक सब्जी की पंक्ति हम बो सकते हैं और इनकी अच्छी खेती हम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर क्षेत्रफल कम है तो उनके साथ आप सह फसलीकरण कर सकते हैं और सह फसलीकरण के लिए आप 15 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आप बोएं तो ज्यादा अच्छा रहता है और उसके बाद में आप अकेले मक्का की खेती करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप सब्जियों की खेती अमूमन करना ज्यादा लाभदायक नहीं रहता। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल दीपक साहब आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर दीपक हमारे दर्शकों को, मैं क्योंकि गोभी वर्गीय सब्जियों की मैंने बताया था कि इनका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो इसको ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें ज्यादा जाना चाहिए। उसके लिए अगर गोभी वर्गीय फसलें अगर रहते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि 150 लीटर गोबर की स्लरी ले लें और उसके साथ में 25 लीटर के आसपास आप वेस्ट डिकम्पोजर लेना है और उसके साथ 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम बेसन, 1 लीटर छाछ इसके अंदर लेनी और 500 ग्राम इसकी सरसों भी करनी, इसका आप घोल बना लें और उसके हर वीकली अगर आप इसको गोभी वर्गीय फसलों में डालेंगे तो निश्चित तौर से बीमारियां भी कम लगेगी और रोग भी कम लगेंगे। इस चीज में जरूर ध्यान रखें, कीटनाशकों का इस पर कम से, और जो वेस्ट डिकम्पोजर की बता रहा हूं मैं, 30 ग्राम की बोतल आती है जो की नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOA राष्ट्रीय जैविक खेती वहां पे मिल सकती है, अमेजोन से आप जहाँ चाहे मंगा सकते थे। तो इसको पीस फिर इसको आप वेस्ट डिकम्पोजर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसको आगे से आगे आप जैविक खेती में काम में ले। वेस्ट डिकम्पोजर का भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि 200 लीटर पानी में आप 30 ग्राम वेस्ट डिकम्पोजर ले लें और 2 किलो गुड़ को लेके इसका कल्चर बना लें और 5 दिन बाद इसको अच्छी तरह हिलाएं और फसलों में छिड़काव भी कर सकते हैं पानी के साथ भी, 1000 लीटर पानी के साथ उसको दे सकते हैं या फिर आधा वेस्ट डिकम्पोजर और आधा पानी मिला के आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पे सब्जी जो कि एक आजकल समस्या हो गई कि कीटनाशकों का अंधाधुंध अव्यवहारपूर्ण जी एक कॉलर है जी दीपक जी माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं जल्दी से उनसे। हेलो हेलो जी नमस्कार, शिवाजी मौर्य जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम जी आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, शायद लाइन में कुछ गड़बड़ है, बताइए फिर से सवाल बताइए। मक्का की खेती करना चाहते हैं तो
देखिए, अगर आप अमेठी से हैं, मक्के की खेती करना चाहते हैं और वहाँ पे जो मक्का की जो प्रमुख किस्में हैं, ये हमारे 1301 है, 1308 है, CP 838 है और आपकी टॉप क्लास करके जो किस्में हैं इनका आप चुनाव कर सकते हैं जी। और आप जितना जल्दी बोएंगे उतना अच्छा रहेगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और आपको शून्य जुताई विधि से भी इसकी बुआई की जा सकती है। और अगर आप जुताई विधि से बुआई करें तो आप उस समय अंतिम जुताई के समय आप 50 किलोग्राम DAP, 35 किलो MOP और 5 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दें। उसके बाद में आप 50 से 60 सेंटीमीटर की लाइनें बनाकर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज डाल दें जी। तो आप इस तरह से आप मक्का की बुआई कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो मक्के से जुड़ी विशेष जानकारियां थी। डॉक्टर दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहे और गोभी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ब्रोकली और गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी बुआई की बात हो या फिर उनमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर शंकर, आपका भी, आप भी स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब दिए। मक्के के बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी आपने और आपने ये भी बताया कि अच्छी किस्में कौन कौन सी जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई विषय आप चाहते हैं कि जो हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा ईमेल पता। ईमेल पता आपको बताया, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कल का हमारा विषय क्या है, जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। हमारा कल का विषय है कृषि उत्पादों का निर्यात, केले, अनार, सब्जियों और साथ ही चावल पर हम करेंगे कल बात। और इसके अलावा जानकारी देंगे बेबी अनियन और प्याज की खेती पर। जैसा कि बताया कि सुझाव अगर आपके कोई है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा ईमेल पता है, hellokisan2015@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जो है सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। फॉलो करें, लाइक करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, चाहे वॉल पर लिखें या फिर मैसेंजर के माध्यम से। ये हमारा है हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर आप कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करा दें, जिन्हें हम आगे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। यहां लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारे सभी कार्यक्रम और डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर हेलो किसान को भी आप देख सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को भी चाहे तो आप दोबारा शुरुआत से देख सकते हैं या फिर अन्य कोई एपिसोड जो कि आप देखना चाहते हैं उन्हें भी आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल से प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव, रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन, देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगोप के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।